आवाज ना भी बच्चे डर जाते डरना कड़ी लात लगी का हेडमास्टर हूँ। सुबह कोई 10:30 बजे के करीब मैं ऑफिस के सामने बैठा हुआ था तो अचानक से बिजली की आसमानी बिजली चमकी और पूरी तरह से जो एरिया है बिल्कुल स्पार्किंग हो गया, जैसे वेल्डिंग करते हैं और शोले निकलते हैं इस तरह निकलने शुरू हो गए। मैडम जी जहाँ से अंदर जा रही थी तो उन्होंने कहा मेरे पर बिजली पड़ गई है, तो मैं उसी समय जब छोले थोड़े कम पड़े तो मैं भी खड़ा होकर बच्चों की तरफ भागा तो बच्चों को देखा तमाम बच्चे जो है नीचे पड़े हुए हैं और मैडम जी भी जो है वो बेहोश हो गई हैं। तो एक बच्चा तो बिल्कुल बुरी तरह से बेहोश हो गया था, उसको मैंने बड़ी मेहनत से उसको दबाया और बार बार उसको दबाने से वो थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ। उसकी टांगें टेढ़ी हो गई थी, पाँव दूसरी तरफ लग गए थे, बाजू टेढ़े हो गए थे और एक बच्ची जो वो भी उसकी भी टांगों में ही ज़्यादा असर हुआ है। ज़्यादातर प्रशासन की तरफ से किस तरह की प्रशासन की तरफ से पूरी हमें कोऑपरेशन मिली है। मैंने ZDO साहब से कंटेक्ट किया और वो कहीं बाहर थे, उन्होंने ZIPO साहब से किया और ZIPO साहब ने तुरंत यहाँ का दौरा किया और सभी लोगों के दरमियान वो आके बच्चों को हॉस्पिटल शिफ्ट करने की बात कही, लेकिन उससे पहले उन्होंने हॉस्पिटल साइड से उनको रिस्पॉन्स मिला कि हम वहीं आ रहे हैं एम्बुलेंस लेकर, तो हमें प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से अच्छी तरह से कोऑपरेशन मिला। ऐसा जैसे ही हमें DC साहब का एक टेलीफोनिकली मैसेज आया कि कहीं आसमानी बिजली स्कूल प्राइमरी स्कूल दसल गली में पड़ी है, तो मेडिकल टीम की वहाँ ज़रूरत है, एम्बुलेंस आप ऑन साइट ही जाके वहाँ देखो बच्चों को, उसी हिसाब से आप जो बच्चे वहाँ साइट पर ट्रीटमेंट चाहिए वो साइट पर ट्रीटमेंट, अगर कहीं कोई उस तरह की कॉम्प्लिकेशन है तो थ्रू एम्बुलेंसेज एकदम शिफ्ट कर लो। लेकिन यहाँ जैसे हम आए हैं पहुँचा देखा साइट पर देखा कि बच्चे अभी 5-6 बच्चे जो हमने एग्जामिन किए छोटे बच्चे हैं लेकिन ये बिल्कुल सेफ है।